यू वुड लाइक टू डिस्कस. सो फर्स्टली फर्स्ट आई वॉन्ट टू डिस्कस कि जीएसटी लगता किसके ऊपर है. सो एज पर सेक्शन 9 ऑफ द चार्जिंग सेक्शन, जीएसटी इज लेवियबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस एंड द गुड्स विच इज डिफाइंड एज गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. सो देयरफॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट फॉलिंग विद इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स. Now the term service has been defined as service means anything other than goods. So a question arose ki kya immovable property service ki definition mein include hoti hai. So agar GST ki definition ki baat kare service ki, so yes, immovable property, agar sale of land, sale of building, service ki definition ke andar wo include hai. So, अब अगर इन्होंने सर्विस की डेफिनेशन के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी को इंक्लूड कर लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनली जीएसटी सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग पे लगाया जा सकता है कि नहीं. तभी तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस की एक्सक्लूजन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी की अगर बात करें तो आर्टिकल 246 विच इज एग्जिस्टिंग प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एज वेल. सो आर्टिकल 246 के अंदर टैक्स लगाने की पावर स्टेट्स सेंटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की हुई है. सो जो भी टैक्सेस लिस्ट 1 के अंदर 7th शेड्यूल के लिस्ट 1 के अंदर लिस्टेड हैं उसके ऊपर टैक्सेस लगाने की पावर सेंटर को है. लिस्ट 2 के अंदर जितने भी टैक्सेस लिस्ट किए हैं उसके ऊपर टैक्सेस लगाने की पावर स्टेट्स के पास है. सो आर्टिकल 246 एम्पावर्स टू इम्पोज द टैक्स लिस्टेड इन शेड्यूल 2 टू द स्टेट्स. अब अगर हम दो एंट्रीज की बात करें, ये दो एंट्रीज हैं, एंट्री नंबर 49 ऑफ लिस्ट 2 टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग और एंट्री नंबर 63 ऑफ लिस्ट 2 which is rates of stamp duty in respect of documents other than those specified in the provision of list 1 with regard to the rates of stamp duty. So stamp duty ka rate define karne ki for the in respect of the documents power with the state, taxes on lands and building is power with the state. Ab entry 49 ke upar time to time discussions courts ne various constitutional वैलिडिटी चेक करी थी ऑन द सर्विसेस ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें जो 2007 के अंदर फर्स्ट टाइम सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था इसके अंदर, 2000 होम्स रिटेल के अंदर 2009 में क्वेश्चन उठा कि क्या सेंटर के पास पावर है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाने की. और टाइम टू टाइम इसके ऊपर वेरियस कोर्ट्स, अभी रिसेंटली अगर बात करें तो 2017 के अंदर अलाहाबाद हाई कोर्ट ने एंट्री 49 की वैलिडिटी अपहेल्ड की है. फॉर एंट्री 49 इज नॉट मतलब वैलिडिटी ऑफ द सेंटर टू इम्पोज सर्विस टैक्स वो अपहेल्ड की है और उन्होंने बोला है कि इट इज नॉट इन्फ्रेंज ऑफ एंट्री 49. सो इसी तरीके से अब क्वेश्चन ये आया कि अगर एंट्री 49 में टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग अगर स्टेट के पास है तो क्या अब जीएसटी जो स्टेट और सेंटर दोनों के पास पावर है उसके अंदर टैक्सेस इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेस सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के जीएसटी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते. सो अगर हम अब आर्टिकल 246 ए की बात करें जिसने पावर दी थी स्टेट और सेंटर को जीएसटी लगाने की, सो एंट्री 246 ए की अगर आप स्टार्टिंग लाइन पढ़ें तो वो बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 एंड इट गिव्स द पावर टू स्टेट एंड सेंटर टू लेवाई द टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेस. अब इंटरेस्टिंगली द डेफिनेशन ऑफ सर्विस हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इन आर्टिकल 366(26)(a) where the term service has been defined anything other than goods. So in the constitution of India itself, the meaning of the service is defined very widely.
So, a question arises, what is the meaning of goods? So, in the article 366-12, the meaning of goods is defined. Goods includes all material, commodities and articles. Now, in the constitution, the definition of goods is inclusive definition. Now, question arises, ki, what is the definition of goods? So, now in Sales of Goods Act 1930, the meaning of the goods is defined as the same meaning which is adopted by the VAT Acts as well as by the GST. Goods means any kind of movable property. So goods ke andar movable property, any kind of movable property is included, and that service ke definition ke andar anything other than goods is included. So therefore, in the constitution itself, the meaning of service is defined, which is anything other than goods. So therefore, immovable property is included in the definition of service. Therefore, under the Article 246A, read with definition of Article 366-26A, state and center both are empowered to levy tax on immovable property. This is now, I want that iske upar thoda sa aur detailed discussion. Puneet sir bhi aaj hamare saath hain. So, wo iske upar thoda aur enlightenment kare about the constitution, constitutional power. Now, iske upar ab power to hai state ke paas bhi aur center ke paas GST lagane ki. But इसके ऊपर टाइम टू टाइम जीएसटी काउंसिल के अंदर डेलिब्रेशन हुआ कि क्या लैंड और बिल्डिंग को हमें जीएसटी के एम्बिट में रखना चाहिए या जीएसटी से बाहर रखना चाहिए. सो फर्स्ट टाइम इन द फिफ्थ जीएसटी काउंसिल मीटिंग एजेंडा हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू डिस्कस वेदर जीएसटी ऑन लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी इम्पोज्ड और नॉट. और ये डिस्कशन अल्टीमेटली सेवंथ जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हुआ था जो 22 और 23 दिसंबर को हुई थी 2016 के अंदर. अब इस मीटिंग में सबसे पहले तो यही बात डिस्कस हुई कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन एजेंडा के अंदर भी ये प्रोड्यूस हुआ कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनली जीएसटी कैन बी लेवाइड ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड बिल्डिंग. सो दे हैव कंक्लूडेड इन देयर एजेंडा एज वेल एज इन द मीटिंग, यस वी हैव द पावर. एंड वेरियस स्टेट्स हैव डिस्कस्ड कि व्हाट आर द favorable circumstances on imposing the tax on immovable property, say land and building, and what are the against it. So various states are in favor of this and various states are in against of it. Like Maharashtra says ki aap sale of land and building ko bahar rakho, but unhone sale of building ke upar bhi tax lagane ke different method propose kiye the 7th meeting ke andar. Delhi was in the favor of imposing GST on sale of land and building. अगर केरला की बात करें, केरला ने बोला कि हम आज भी sale of land and building के ऊपर जो stamp duty लेते हैं उसके ऊपर VAT का जो हम benefit, जो VAT अगर किसी ने pay किया है sale of building के ऊपर तो हम उसको उसका benefit देते हैं. तो they are against of imposing tax of sale and building. So जो state टैक्स लगाने के फेवर में थे लाइक दिल्ली, जिन्होंने 11 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में दोबारा इसके ऊपर पॉइंट रेस किया, उन्होंने दो रीजंस बताए कि दो रीजंस के कारण क्यों इसको जीएसटी से बाहर रखें. सॉरी, दिल्ली ने बोला कि इसको जीएसटी के अंदर क्यों रखें. सो पहला उन्होंने पॉइंट बोला कि इससे इनपुट क्रेडिट चेन मेंटेन रहेगी, और दूसरा रीजन उन्होंने दिया कि इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी एट दिस टाइम टू कर्ब द फ्लो ऑफ ब्लैक मनी. बट अगर 7 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इसको बाहर रखने का एक और मेजर रीजन दिया गया कि अगर इसको भी जीएसटी के रिजीम में ले आए तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बाय एडिशनल स्टैम्प ड्यूटी विल बिकम वेरी एक्सपेंसिव, और अल्टीमेटली ये जीएसटी का एक अगर जीएसटी को पीछे अगर उसको उसकी सक्सेस स्टोरी फेल होती है तो ये बहुत एक बड़ा रीजन बन जाएगा. सो देयरफॉर फाइनली इन द 7th मीटिंग व्हाट दे हैव डिसाइडेड, they have decided not to include the GST on land and building at this stage, and they said ki we will discuss after 1 year. But again in the 11th meeting the deputy chief commissioner of Delhi has again raised this point, and ultimately the council has concluded no, we will retain our point 7th council discussion
एंड वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. सो अल्टीमेटली वट द जीएसटी काउंसिल हैज डिसाइडेड, जीएसटी काउंसिल हैज डिसाइडेड दैट वी विल नॉट इम्पोज जीएसटी ऑन द सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग. सो फ्रॉम दिस, ऑल्दो देर इज अ पावर विद द स्टेट एंड सेंटर टू चार्ज द जीएसटी ऑन द सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, बट द इंटेंट ऑफ द काउंसिल, इंटेंट ऑफ द लॉ मेकर्स आर क्लियर फ्रॉम दिस डेलिबरेशन दैट फॉर द टाइम बींग दे वॉन्ट टू एक्सक्लूड इट फ्रॉम द एम्बिट ऑफ जीएसटी. सो देयर फोर दे हैव स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस एन एक्सक्लूजन अंडर द शेड्यूल 3 वाइट एंट्री नंबर 5 दैट सेल ऑफ बिल्डिंग एंड सेल ऑफ लैंड शेल नाइदर बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट शेल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस. So with that, the law intent of the lawmaker is clear that they don't want to tax sale of land and sale of building. Now to more understand it in depth, we need to discuss its origin. Ki what are the position in the previous tax regime, say VAT regime as well as service tax, and vis-a-vis iski jo aaj position hai GST regime ke andar. सो अगर इफ यू टॉक अबाउट द वैट, वैट एक्ट के अंदर वैट इज लिवियबल ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड एज आई डिस्कस्ड एवरी स्टेट वैट हैज अडॉप्टेड द डेफिनेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 विच सेज दैट गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. सो एवरी वैट एक्ट लिवाइज द टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स. सो देयरफॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी, say sale of land or the sale of building, were outside the purview of the VAT Act. And if we talk about the service tax law, from the service tax, from the negative list regime, they have defined the meaning of service is very wide. They have defined the service as any activity for a consideration. So therefore, they have, since they do not have the power to tax the immovable property due to the entry 40, as we discussed, due to the article 246A read with entry 49 of the list 2, they have specifically excluded the transfer of immovable property from the definition of service. So therefore, on the sale of land and on the sale of building, service tax was not levyable in the service tax regime also, and VAT was not levyable on the sale of land and sale of building. But under the GST regime, how they make a difference from the service tax regime? They said in the para 5 that sale of land shall neither be treated as a supply of goods nor supply of service. So now there is a difference between two. In the service tax regime, they said transfer of title in immovable property, whereas in the GST regime, they said sale of land shall not be treated as supply of goods or service. Now, question arises, what is the difference between two? So, for that, we need to examine that what is the meaning of immovable property. So, neither in the Finance Act 1994, which is it's a service tax law, nor in the GST Act, the meaning of immovable property is given. Now, Section 3 of General Clauses Act 1897 provides the definition of various terms of all central acts and regulation made after the commencement of this act, unless there is anything repugnant in the subject or context. So they say that whatever the definition are given in the Section 3 of the General Clauses Act shall be applicable on all central acts and regulations until unless is contrary provided in that act. So the term immovable property has been defined in Section 326 of the General Clauses Act, which says immovable property shall include land, benefits arising out of land, and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth. So if we pick two words from here, so immovable property mein two types of immovable property are defined among others. First is land,
एंड दे हैव स्पेसिफिकली डिफाइंड बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड सेपरेटली एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो वट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? सी, लैंड कंटेन्स वेरियस राइट्स इन इटसेल्फ. लाइक एक अगर लैंड इन जर्नल आप किसी को ट्रांसफर करते हैं तो उसके साथ अटैच्ड जितने भी राइट्स हैं, उसको माइनिंग करने का राइट हो, उसको लीजिंग लीजिंग के देने का राइट हो, उसको ऊपर बिल्डिंग बनाने का राइट हो, जिसको हम डेवलपमेंट राइट्स भी बोलते हैं. सो उसके अंदर वेरियस राइट्स होते हैं, बट वंस यू आर ट्रांसफरिंग अ लैंड टू अ पर्सन, यू ट्रांसफर ऑल द राइट्स एंड बट द बेनिफिट्स विच इन इटसेल्फ इज अ सेपरेट राइट्स. लेट अस से उसके आपने लैंड पर से ट्रांसफर नहीं किया, बट आप उसके उसके साथ अटैच जो बेनिफिट्स हैं, लाइक आप माइनिंग राइट ट्रांसफर कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर कर रहे हैं. सो यू आर नॉट ट्रांसफरिंग द लैंड, यू आर ट्रांसफरिंग द बेनिफिट्स विच आर राइजिंग आउट ऑफ द लैंड. सो देयरफॉर दीज टू आर सेपरेटली इंडिपेंडेंटली डिफाइंड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द जनरल क्लॉजेज एक्ट. सो नाउ वी कैन सी द क्लियर डिफरेंस between the service tax regime and the GST regime, that in the GST regime only sale of land is excluded, but in the service tax regime the transfer of immovable property is excluded. Now इसको एक example से समझते हैं जो आज की date में बहुत real estate में चर्चा में है, that is called development rights. Now development rights is not in its land in itself. As we discussed, it's a benefit arising out of the land. And these development rights are benefit which are arises out of the land. Therefore, it's a immovable property, but it's not a land in itself. So in the Cheda housing, the Bombay High Court has held that yes, development rights are rights which arises out of the land, and they relied on the definition of section 326 of the General Clauses Act, and they held that development rights are immovable property. So what the result of this in the service tax regime? So as we seen that transfer of immovable property is not taxable, is not a service under the service tax regime. So therefore in the DLF Commercial Projects Corporation, that Chandigarh tribunal has held that since the development rights are rights arises out of the land and are immovable property, therefore it's not a service and not liable to service tax. But the position is altogether different in the GST regime. In the GST regime, only sale of land is excluded. Therefore, development rights being a right arising out of the land, if we are transferring only development right and not the selling the land, it would be leviable to the GST. There is one another problem which is associated with this land sale, that they have excluded the sale of land. But very interestingly, in the GST regime, if we see that in the composite supply ke concept ke andar, agar aapke principal supply, the complete supply shall be treated as you are supplying the principal supply. So agar hum sale of developed plots ki baat kare, first of all, in case of sale of developed plots or its sale of bare shell of land, ultimately the seller of land or the developer is only selling the land to the customer. But in the service tax regime, the department has started to issue the notices to the developers that no, you are not merely selling the land, but you are also separately developing the land also, and therefore you are liable to pay tax on the development of the plots which are part of the your contract. So in that case also, we are arguing the case that no, this is ultimately excluded from that. This is a part and parcel of the land, and therefore we are selling mere a land, not developing the land for the customer, and therefore it should be outside the ambit of service tax.
बट इन द जीएसटी रिजीम वी आर ऑन द एक सेफर पॉइंट पे हैं. व्हाट इज दैट सेफर पॉइंट? दैट वी आर सपोर्टेड बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई. कॉम्पोजिट सप्लाई बोलती है कि अगर आप दो सप्लाई कर रहे हैं तो आपकी प्रिंसिपल सप्लाई शेल बी ट्रीटेड एज अ मेन सप्लाई. बट अब कॉम्पोजिट सप्लाई में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कॉम्पोजिट सप्लाई की डेफिनेशन में देखें तो वो बोलती है टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई. सो अगेन डिपार्टमेंट कैन रेज अ क्वेश्चन दैट योर सेल ऑफ लैंड इज नॉट अ टैक्सेबल सप्लाई. सो इन दैट केस फॉर सेफर पॉइंट ऑफ व्यू इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक एफिशिएंट मॉडल डेवलप कर सकते हैं. उस एफिशिएंट मॉडल के अंदर व्हाट वी कैन डू, वी कैन सेग्रीगेट द वैल्यू ऑफ द सेल ऑफ लैंड एंड द सेल ऑफ बिल्डिंग्स एंड वी कैन चार्ज द टैक्स ऑन द डेवलपमेंट चार्जेस. एंड अगेन अ बेनिफिट कैन बी टेकन ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट बिकॉज वी आर चार्जिंग द जीएसटी ऑन द डेवलपमेंट पोर्शन. Otherwise, if we combined it with the sale of land, so then we will not be able to again avail the credit of ITC on the development charges. So therefore, from tax efficient point of view, as well as from to avoid the litigation on these issues, we can develop a efficient model in this case. So ultimately, what we see that sale of land is outside the ambit of GST. But we will see how it is again connected with the sale of building, where the apart from the sale of building, the developer also supply the land. We will also discuss one of the issue associated with the sale of land. Now, another question is another point is sale of building. Pavanji, can I interrupt you for a minute? Thi. Although you are taking it very wonderfully and all the provisions are there in the research material, but only the entry 46 of the Schedule 2 of the Constitution, which we are referring, and where the land and building word has been used. So kindly throw light on this also, that there also immovable property has word has not been used. It is only the land and building which is under the purview of the state government exclusively. So while saying there are both the powers under Article 246 with the state government and 246A with the GST Council, so how you will differentiate between these two powers? That's what I wanted to just ask. Sir, इसके ऊपर थोड़ा सा और ज़्यादा enlightenment मैं पुनीत सर को बोलूँगा कि वो करें. So after your delegation. हाँ, right, right. So the another point is that in the fifth schedule, sale of building is also excluded from the purview of GST, but that is subject to the paragraph 5 of the Schedule 2. Now we will see what is this paragraph 5B of the Schedule 2, and we will also see what is the history of that Schedule 2. But first of all, let us compare it with the service tax regime. So again, in the as we discussed in the service tax regime, transfer of title in goods in immovable property is excluded. So therefore, sale of building is also excluded from here. But in the service tax regime, what they have done, they have included it in a deemed service, in a declared service, the construction of a complex building, civil structure or a part thereof, including the complex or building intended for sale to a buyer wholly or partly, except where the entire consideration received after the issuance of the completion certificate by the competent authority. So they have declared it as a service. What they have declared, that if a developer is constructing a building which is intended for sale to a buyer, when it is sold and the part of the consideration is received prior to the issuance of certificate, then it shall be deemed to be a service. Ab isko aur further in depth mein jaane ke liye iski history samajhte hain ki what is the history behind this sale of building which is sold prior to the issuance of CC in the service tax regime as well as in the works VAT regime.
सबसे पहले अगर हम बात करें सर्विस टैक्स रिजीम की, तो सब पहले वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, वेट रिजीम की बात करते हैं, दैट वुड मोर क्लैरिफाई इट। सो इन द VAT देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट विच इज इंसर्टेड बाय द 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आफ्टर द जजमेंट ऑफ गैनन डनकली वन। दे हैव अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैव इंक्लूडेड द 6 टाइप्स ऑफ सेल्स एज डीम्ड सेल इन द आर्टिकल 326 29 ए। दे हैव इंसर्टेड द डेफिनेशन ऑफ डीम्ड सेल विच विल बी कंसिडर्ड टू बी ऑल्सो अ सेल ऑफ गुड्स। सो वन ऑफ दिस इट दैट ट्रांसफर ऑफ गुड्स इन प्रॉपर्टी और इन एनी अदर वे इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। सो देयरफॉर एनी गुड्स विच आर ट्रांसफर्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वुड बी लेवियबल टू सेल्स टैक्स और पर से VAT। सो इसके बाद एक क्वेश्चन आया सुप्रीम कोर्ट में के रहेजा के अंदर विच इज पास्ड इन 2005। उसके अंदर एक इशू था कि एक डेवलपर अपने कस्टमर को फ्लैट सेल कर रहा है और उस फ्लैट के अंदर तीन एलिमेंट इन्वॉल्व हैं। उस फ्लैट के अंदर मटेरियल है, उस फ्लैट के अंदर सर्विस है और उस फ्लैट के अंदर लैंड भी है। सो क्वेश्चन आया कि क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर VAT लगाया जा सकता है। सो के रहेजा के अंदर सुप्रीम कोर्ट हैज एनालाइज्ड द आर्टिकल 326(29)A विच इज इंसर्टेड थ्रू 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड कंक्लूडेड दैट यस ऑल्दो देर आर थ्री एलिमेंट्स इन दिस बट द वर्क्स इट इज वन ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। दे डिफाइंड दिस कॉन्ट्रैक्ट एज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड दे सेड दैट गुड्स पोर्शन इन दैट कैन बी टैक्स्ड बाय द स्टेट थ्रू इन द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड दे हेल्ड इट टू बी अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। बट वेरी इंटरेस्टिंगली इन द दे हैव हेल्ड इन दैट जजमेंट दैट द गुड्स विच आर इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर द डेट ऑफ एग्रीमेंट शेल ओनली बी टैक्स्ड एंड प्रायर टू द डेट ऑफ एग्रीमेंट वट एवर गुड्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दैट बिल्डिंग कैन नॉट बी टैक्स्ड एज इट्सेल्फ इट्स अ ट्रांसफर टू बाय द बिल्डर टू देमसेल्फ। सो अगेन दिस पोजिशन ऑफ के रहेजा हैज बीन अपहेल्ड बाय द L&T 2014 लार्जर बेंच विच हैज अपहोल्ड द वेलिडिटी ऑफ द के रहेजा केस एंड दे हैव कंक्लूडेड दैट यस द सेल ऑफ बिल्डिंग बाय द डेवलपर टू द बायर इज फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। इट्स अ नेचर ऑफ द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट कैन लेवाई द वैट ऑन द ट्रांसफर ऑफ गुड्स इन्वॉल्व इन द सेल ऑफ फ्लैट एंड सो द गुड्स पोर्शन कैन बी टैक्स्ड एज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। सो नाउ इवन आफ्टर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 2005 दैट द ट्रांजेक्शन ऑफ डेवलप दे हैव आइडेंटिफाइड दैट इन दिस एलिमेंट दे इन दिस there is an element of service involved in this case, but despite this fact in the service tax regime there is a entry construction of complex construction of residential complex construction of commercial complex there is an entry which is inserted in 2007, but in 2009 they have issued a circular that till the date the agreement is entered by the developer with the buyer it shall be considered to be a self service and that circular has been accepted by the department in the Suresh Kumar Bansal case of Delhi High Court that yes we have issued such type of circulars. Now in the Finance Act 2010 they have inserted a explanation to the service of residential construction of residential or commercial complex. They have inserted an explanation in which they said that the construction which is intended for buyer for sale which is intended for sale to buyer and where except where the entire consideration is received
after the issuance of completion certificate that would be covered under this under this category per that is residential construction of residential complex and residential of commercial complex. So from 2010 itself they have created a separate entry, although they have inserted the works contract service in the 2010, but they have carried this entry separately and works contract separately. So I want to discuss here that despite the fact that Supreme Court has held that these types of contracts are works contract, still they have kept this concept separately. That is the sale of flat or unit by a builder to the buyer, which is intended for sale and sold prior to the issuance of completion certificate, where part of the consideration is received prior to the issuance of certificate. And they have kept separately the concept of works contract. So now in after this 2010, in the service tax, in the negative list regime, they have specifically declared the service as separately, and they have separately declared the works contract service as separate service. And if we see the para 5 of the schedule 2, which declared many services as supply of many activities as supply of services, these all are similar to the declared services, which is defined in the service tax regime in section 66E. So basically they have copy pasted that concept, and again they have kept it separately, the construction of a complex which is intended for sale to a buyer and the works contract separately. So now what they said in the para 5, that sale of building shall not be treated as neither goods nor service, subject to the para 5b of the schedule 2. And what the para 5b of schedule says, again the same thing, construction of a complex or a building intended for sale to a buyer, except where the entire consideration has been received after the issuance of completion certificate. So here what we have discussed, that there is a concept of works contract, and till the GST, all states are levying the VAT on the sale of building by treating his works contract, as held by the Supreme Court in K. Raheja and upheld by the larger bench in L&T. But in the service tax regime, they have separately treated it, they have created a separate category of service in this, and they carried the same concept in the GST regime itself. अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम आता है कि VAT regime के अंदर, as I discussed in the K. Raheja case, further upheld by the L&T larger bench in 2014, or I think it is in 2013, and CSD developers by Punjab Haryana court in 2016. What they said, that the tax under the VAT under this can only be levied from the date of the agreement. So let us say, इसको एक example से मैं समझता हूँ कि मैंने एक flat खरीदा, मैंने एक flat under construction खरीदा है. अब उस flat का जो position है वो ये है कि उसका पूरा outer structure, outer outlay पूरा बन चुका है. So जब मैं वो flat book कराने गया तो उसका पूरा का पूरा outer structure बन चुका था, उसका facade work भी हो चुका था. What only left, उसका इंटीरियर रह गया था और उसके डोर्स लगने रह गए थे, उसके विंडोज लगने रह गए थे, उसका इंटीरियर, उसका पेंट, ये सब पॉइंट ये रह गया था. अदरवाइज आउटर स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी रेडी. सो इफ वी टॉक अबाउट इन द परसेंटेज, सो फ्लैट इज ऑलमोस्ट रेडी 70%. उस 70% कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्शन के बाद मैंने डेवलपर के साथ एग्रीमेंट किया कि यस आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस फ्लैट. So in the K. Raheja and L&T, what the court has held, and in the CSD Punjab Haryana High Court has followed that judgment, that from the goods which are incorporated on or after the date of the agreement with the buyer can only be taxed under the VAT, and those goods which are already incorporated in the land, that
become part of the immovable property and therefore cannot be taxed as in and as in the VAT only sales of goods can be taxed. But again, in the service tax regime, they are continued with the tax, the entire consideration, irrespective of the stage of the construction. In the VAT regime also, department used to tax by deductive method, and they used to tax it, but by all these judgments, we always going to pay the taxes and contest with the department that we will pay the tax only after the date of agreement. It is accepted by the VAT department of various states, but in the service tax regime, they from the very 2010 itself, they are going to tax on the entire consideration, even if at on the date of agreement, 95% of the construction has already been completed. So therefore, in light of these judgment of the Supreme Court, this issue can be either represented before the government or relief can be taken from the court that till the date of agreement, whatever construction has been done has already become the part of immovable property and should not be taxed as the in the GST regime, they have intent to exclude the sale of land and the sale of building. But as I said, they have the constitutional power. So again, this issue may come before the court that yes, we have a constitutional power and we have excluded only one particular category, that is only a sale of completed building and not the under construction building at whatever stage it is. So that issue again is a point of discussion and deliberation. Now another issue which is involved in this is that in this case, if you look, there is a three element involved in this, that is service, material and land. So again, on the service and material, both are, because this is treated as supply of service, so therefore service and material both together can be taxed under the GST as a service. Now as we discussed that the GST council have intent and excluded the sale of land from the GST purview, and in this, since the land is involved, so it has to be excluded. So because land is excluded from the Schedule 3, so therefore in case of composite contracts, there should be a manner that how it should be excluded it, because land cannot be taxed. So now if we see the valuation rules, in the valuation rules, the law says that the section 15.4 says that if value cannot be determined in 15.1, then value has to be determined in the manner as may be prescribed. And if we see the section 15, it says that the government by notification provide that for class of persons for whom a valuation rules has to be prescribed, and for that a special valuation rule shall be prescribed by the government. So here the words are used prescribed. So now in the case of Suresh Kumar Bansal, the Delhi High Court has also interpreted the meaning of the word prescribed. In the service tax regime also, the word prescribed has been defined that prescribed means as may be prescribed by rules. So government has specifically provided a definition of term prescribed, which in the GST regime also, that the term prescribed means as may be prescribed by rules. So therefore, the valuation rules has to be prescribed through the rules. The law, the CGST Act, provides that valuation rules has to be provided by the valuation rules through rules. Sorry. अब सुरेश कुमार बंसल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने इशू क्या था? उसके सामने इशू ये था कि 2010 के अंदर जब ये सर्विस इनकॉर्पोरेट हुई, एज वी डिस्कस्ड फर्स्ट टाइम, तब उन्होंने थ्रू एक्सप्लेनेशन रेजिडेंशियल ऑफ कॉम्प्लेक्स के अंदर इस एंट्री को इनकॉर्पोरेट किया था, और पैरेलली एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस भी डिफाइन की थी, और उन्होंने वैल्यूएशन रूल के अंदर जब वैल्यूएशन मैकेनिज्म प्रोवाइड किया, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ
वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के लिए वैल्यूएशन मैकेनिज्म प्रोवाइड किया. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्होंने बोला कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में गुड्स के एलिमेंट को कैसे एक्सक्लूड करना है, या तो आप एक्चुअल सर्विस की वैल्यू ले लो या फिर आप एक फिक्स्ड परसेंटेज विच इज 40 और 60, वो आप एक फिक्स्ड परसेंटेज एक्सक्लूड कर दो एंड 40 शैल बी कंसीडर्ड एज सर्विस एंड 60 शैल बी कंसीडर्ड एज गुड्स. सो देयरफॉर दे हैव प्रोवाइडेड अ मैकेनिज्म इन द रूल्स फॉर द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. बट अगर हम इस सेपरेट कैटेगरी ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें जो फ्लैट सेल की बात है, उसके लिए उन्होंने रेट नोटिफिकेशन के अंदर ही एक स्टैंडर्ड अबेटमेंट प्रोवाइड कर दी. इनफैक्ट रेट नोटिफिकेशन नहीं कहेंगे उसको, उसको अबेटमेंट नोटिफिकेशन. उन्होंने एक नोटिफिकेशन के थ्रू अबेटमेंट दे दिया था कि इन दिस केसेस द वैल्यू ऑफ सर्विस शैल बी डीम्ड टू बी 33% और 30% एज दे हैव अमेंडेड टाइम टू टाइम 25, 30, 33. सो इस केस में ये चैलेंज हुआ कि क्या गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस के थ्रू कोई वैल्यूएशन मैकेनिज्म प्रिस्क्राइब करती है. सो इन दिस केस द कोर्ट्स हैव गॉन थ्रू मेनी वेरियस जजमेंट से मथुराम अग्रवाल, गोविंद सारन गंगा सारन, श्रीनिवासन शेट्टी. इस तीन जजमेंट्स में कोर्ट्स ने ये हल्ट किया था कि एक टैक्सिंग स्टैट्यूट में बेसिक एलिमेंट्स होने चाहिए जिसमें इंटर एलिया वैल्यूएशन मैकेनिज्म भी होना चाहिए. और उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक केस में ये बोला था कि वैल्यूएशन मैकेनिज्म कैन नॉट बी गिवन थ्रू अ सर्कुलर. सो इन दिस केस आल्सो सुरेश कुमार बंसल, द कोर्ट हैज रिलाइड ऑन दिस जजमेंट एंड सेड दैट सिंस देयर इज नो मैकेनिज्म अवेलेबल इन द वैल्यूएशन रूल्स ऑफ द सर्विस टैक्स विच प्रोवाइड्स दैट वैल्यू ऑफ लैंड एक्सक्लूड होगी, उस केस के अंदर आपको, क्योंकि वैल्यूएशन मैकेनिज्म आपने दिया नहीं है और लॉ स्पेसिफिकली बोलता है एज मे बी प्रिस्क्राइब, और प्रिस्क्राइब का मतलब एज मे बी प्रिस्क्राइब इन द रूल्स. सो देयरफॉर सिंस यू हैव नॉट प्रोवाइडेड द रूल्स, सो दे हैव अपहेल्ड दैट दिस वैल्यूएशन मैकेनिज्म फेल्स एंड देयरफॉर सर्विस टैक्स कैन नॉट बी लेवाइड ऑन दिस. After this, the government has retrospectively amended the valuation rules from 2010 and inserted in the rules 2A itself that in cases where the value of land is also included in the contract, then the value of land shall be excluded. They have given a three manners. So they have given that actual value of the land, they have given a standard deduction method. So ultimately they provide a mechanism to exclude the land. Now again the same mistake has been carried on in the GST regime. What they have done, they have provided the valuation mechanism in the rate notification. They have said that in these cases 1/3 deduction shall be given towards the sale of land. So again they are not, first of all they are not providing it through a rules, because section 15 says that valuation mechanism has to be prescribed by rules. So therefore they have not provided it through rule and they have given a deduction through a notification. Now what the second mistake they have done? Only you may note one query also, and you may be later answer this. When we are talking about the deduction or rate notification 11/2017 for nil rate for the portion of land, do we really talking about land or right attached to the land? Is it we are talking? No, we are talking about the land. And what about the right attached to the land? Because the immovable property also include the unapportioned portion of the land which is being transferred. So you kindly clarify whether it is same as land or something else. I will do so. ठीक है. So in this case. So first mistake which we have discussed, that they have not provided through a rules and they have provided through notification. And the second mistake what they have done, if we see the Gannon-Duncanally second judgment of the Supreme Court, the court has held that the government, they have prescribed that to charge the VAT on the goods portion, they have provided 8 things which has to be excluded from the value cost of the construction. They have defined the 8 elements which are constitute the element of services. So the court
has held, the Supreme Court in the Gannon-Dunkere has held that if you have to exclude it, these specifically portion, and if the books of accounts of the developer is not of credence and it cannot be calculated from the books of accounts, or it cannot be proved to be correct books of accounts, then only you can provide a standard deduction method. Now here the government has compulsorily provided a standard deduction method of 1/3. So in this case also, the second mistake, which is seemingly in this case, that they have provided a standard deduction, whereas in the Supreme Court in Gannon-Dunkere said that you have to provide first the actual mechanism and then after that the standard deduction. In the CSD developer also, the court has held, while they have read down the valuation rules of Haryana VAT Act, they said that since it is not providing the actual value of land deductions, or it is not providing the manner to compute the tax from the books of account, so therefore the rule is not correct. So therefore, 2 points which we are carrying from it, that first of all, it is not provided through the rules, which is considered to be incorrect by the Delhi High Court in the case of Suresh Kumar Bansal. Secondly, they have provided a standard deduction, which is again held to be which is against the principle settled in these types of cases by the Honorable Supreme Court is Gannon-Dunkere 2 judgment, and by the Punjab Haryana High Court in the CSD developers. So for this, we have also filed the 2 writ petitions in this Delhi High Court and Punjab Haryana High Court to challenge the deemed value of land. Now, a question has been raised that what, if we are talking about that 1/3 land of deduction, so what we mean by it? So in the transaction of sale of flat, let us say, maine apna example liya, maine ek flat kharida hai. So us flat ke andar mujhe सर्विस और मटेरियल एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग मिलेगा, और मुझे अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड भी मिलता है. अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड मीन्स व्हाट? अगर वो 6 एकड़ का लैंड है, उस 6 एकड़ के लैंड के ऊपर कॉमन एरिया भी है और 20 फ्लोर्स का एक बिल्डिंग भी खड़ा है, तो अगर हम देखें तो हर फ्लैट ओनर के पास उसका अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड का एक अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड की ओनरशिप उसके पास आती है. अगर मैं इसको सिंपली टर्म्स में देखूं, अगर मैं दिल्ली वाले केसेस उठा लूं, दिल्ली के अंदर अगर आपका 100 गज का लैंड है, 100 गज के लैंड के ऊपर ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है और उसके ऊपर 3 फ्लोर और बने हुए हैं, तो चारों फ्लोर्स के अगर ओनर की बात करूं, तो अगर आप फ्लोर वाइज बिल्डिंग फ्लोर खरीदते हैं तो आपको 25% अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड भी मिलता है. सो अल्टीमेटली आपको वो अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड जो है वो मिल रहा है, तो इसीलिए वो लैंड की डिडक्शन, बिकॉज यू आर ऑल्सो बाइंग अ वन ऑफ द पोर्शन ऑफ द लैंड. वाई वी कॉल्ड एज अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड? बिकॉज इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इन द 4 पीसेस कि अच्छा एक पीस आपका लैंड का हो गया, एक पीस आपका लैंड का हो गया, बिकॉज इट कैन नॉट बी डिवाइडेड. बट यस, यू आर द ऑनर ऑफ दैट लैंड, सो यू आर द co-owner of that land. In that sense, you are the owner of undivided share of land. So therefore, it is in this transaction, the sale of land is also involved. And in this notification, they have provided the deduction towards